बाय बाय। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आप लोगों को बाय कर रही हूँ, नहीं मैं अपने पुराने फर्नीचर को बाय कर रही हूँ। ये जाएगा तभी तो नया आएगा। तो ये यहाँ भैया अपने सामान को सेट कर रहे हैं, यहाँ मेरी टेबल और सोफ़ा है जो ये जा रहा है, और यहाँ मेरा घर खाली हो गया है। अब इसे भरने के बारे में सोचना है। तो आपको पता है जैसे कि मैंने यहाँ ये जगह खाली हो चुकी है, तो अब चलते हैं हम बाहर। तो बाहर हम आ चुके हैं, यहाँ मेरा सोफ़ा तैयार हो चुका है। और सोफ़ा तैयार हो चुका है, मैं आपको इसका कलर इसकी वीडियो बना के दिखा रही हूँ। यहाँ इन भैया ने सोफ़ा पूरा खोल दिया है कि आप लोग चेक कर लीजिए कि मतलब कैसा बना है, कैसा क्या है। तो यहाँ ये गद्दी लगा रहे हैं, 3 पीसेस की गद्दियाँ हैं 3 सेट में। यहाँ हमने खोल के इसको देख लिया, ये कहीं से ऊंचा था तो गद्दियाँ ऊंची नीची हो रही थी। तो यहाँ पे बहुत अलग सा लग रहा था, तो मैं चेक कर रही हूँ। तो यहाँ हमने सेटिंग खोल के देखी तो काफ़ी ऊंची नीची थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये गद्दियाँ ऊंची नीची क्यों हो रही हैं। फिर बहुत देर में एक चीज़ समझ में आई कि जो पीछे का सोफ़ा है उसकी एक पत्ती बड़ी हुई है। फिर हमने उस पत्ती की कटिंग करवाई और सोफ़ा सेट हो गया मेरा, और गाड़ी पे भी रख दिया हम लोगों ने। इसके बाद मुझे एक अलमेरा पसंद आई तो मैंने वो अलमेरा भी ली। ये है वो अलमेरा, ये मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरा सोफ़ा आ चुका है, अलमारी आ चुकी है, ये मेरा देव उतार के ले आया। ये देखिए मेरे देवर आपको खोल के दिखा रहे हैं, ये ड्रॉर है। अब यहाँ सोफ़ा उतर गया है, आधा सोफ़ा आधा आधा करके लेकर आए हैं। तो यहाँ आधा सेट सेट करके लेकर आ रहे हैं, ये इसके ऊपर सेट पे सेट रख दिया है। और ये सामान रखने की जगह है जो आगे वाला, सबसे आगे वाला है उसमें यहाँ जगह है सामान रखने की। आप ओढ़ने का बिस्तर कुछ भी डाल सकते हो उसमें। यहाँ हमने गद्दियाँ सेट कर दी हैं, अब आप देख सकते हो कि बराबर गद्दियाँ आ रही हैं, कुछ ऊंचा नीचा नहीं है। ये हमने खोल लिया है और कितना अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट। मेरे गगन सोनू को बहुत पसंद आया, तो इन्होंने बोला कि मम्मी ये तो बहुत अच्छा है। और यहाँ हम इसकी सेटिंग को पापा को खोल के दिखा रहे हैं, पापा पूछे कि क्या है ये। तो यहाँ मेरा गगन दिखा रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप लोगों को भी लेना हो तो आप भी ले सकती हूँ। यहाँ मेरी लाडो पूजा करवा रहे हैं हम, और छोटी वाली उसका मतलब आनंद ले रही है लेट कर, और यहाँ लाडो पूजा कर रही है। हम बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छी चीज़ लाए हैं, तो हमने लाडो से पूजा करवाई। ये मेरी दोरानी की दोनों बेटियां हैं। फिर यहाँ मैंने अलमेरा की भी पूजा करवाई, मैंने बोला लगे हाथ लाडो इसकी भी करी दे। तो यहाँ पूजा करते वक्त खोल कर देखा जा रहा है कि ये कैसी है अंदर से। ये बस करने के टाइम पे अलमारी खुली रहनी चाहिए। तो यहाँ लाडो साते बना रही है, फीका कर रही है, और बड़ी खुश हो के कर रही है कि मतलब पूजा कर रही हूँ मैं, टीका कर रही हूँ। तो मैं उसको देख रही हूँ कि कितनी मस्त हो के पूजा कर रही है। बाय बाय दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और करना।